स्टैंडर्ड 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर क्वेश्चन स्टेट द वे ऑफ द कंट्रोलिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से अलग अलग वेज हैं. तो फर्स्ट है ग्रीस ऑयल. ग्रेफाइट आर यूज एज लुब्रिकेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन. कल बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट रहेगा लाइक कोई भी मशीन रहेगा तो मशीन में आप बोलते हो कि उसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा उसको ऑयलिंग करना पड़ेगा. तो वही बात है ग्रीस ऑयल और ग्रेफाइट जब आप एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो इस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन कैसा हो जाता है कम हो जाता है. सेकंड बॉल बैरिंग आर यूज इन व्हीकल एंड मशीन. तो क्या यूज़ करो बॉल बैरिंग यूज़ करो. ऑयल इज़ यूज टू रिड्यूस वियर एंड टीयर इन इंजन एंड ऑटोमोबाइल व्हीकल. हमने देखा होगा कि बाइक में भी हम ऑयल चेंज करते हैं. क्या करते हैं बाइक में ऑयल चेंज करते हैं ना. तो वो इसी कारण है कि जो हमारी क्लच वायर होता है फिर जो अंदर की जो मशीनरी होती है छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना उन सबको वियर एंड टीयर जो है रिड्यूस हो जाता है. फोर्थ स्ट्रीमलाइन शेप इज गिवन टू द व्हीकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू एयर. स्ट्रीमलाइन शेप कैसा शेप दो उसको स्ट्रीमलाइन जैसा शेप दे दो. हाउएवर क्राफ्ट आर डेवलप्ड विच कैन मूव ऑन लैंड और वाटर बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ एयर. ओके क्या करो लैंड और वाटर का जो फॉर्मिंग हो रहा है ना लेयर का वहाँ पे इजीली हॉवर क्राफ्ट डेवलप करो जिससे एयर मूव हो सके. पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड. देखा होगा आपने कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड जब भी हम प्ले करने बैठते हैं तो उसके पहले जो वो बोर्ड रहता है बोर्ड पे ऊपर हम पाउडर लगाते हैं. उससे क्या होता है कि जो वहाँ पे कैरम बोर्ड पे जो मूवमेंट हो रहे हैं ना जो हम खेल रहे हैं उसकी जो मूवमेंट हो रही है ना वो इजीली मूवमेंट हो सके. तो ये सब क्या है कि इस तरह से हम फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना. 6 अलग अलग टॉपिक दिए हुए वो. ओके दो डिफरेंसेस देख लेते हैं. एक है वेलोसिटी एंड मोमेंटम का. तो वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है. डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम उसको बोलते हैं वेलोसिटी. जबकि मोमेंटम क्या होता है मास मल्टीप्लाई मोमेंटम. तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी. तो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया कि वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मोमेंटम क्या हो गया मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट. सेकंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी शो एक्सेलरेशन. पता है ना हमको हमने अभी एफ बराबर एम ए कहाँ से फाइंड किया था कि वेलोसिटी में जो चेंज आया था अपॉन टाइम उसको भी हमने ए ले लिया था. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शोस क्या करता है एक्सेलरेशन. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो चेंज होता है ना वो फोर्स डिसाइड करता है. दिखाया था ना डेल्टा पी बाई टी जिसकी जगह पे एफ लिखा था. डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी जिसकी जगह पे एफ लिखा था. थर्ड उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड. और इसका यूनिट क्या है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड. हो गया फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी मास एंड वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन. तो मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन देगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो आपको फोर्स देगा. यूनिट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड. मोमेंटम जो है उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन दिया है ना. लेकिन उसके साथ में मास का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मीटर पर सेकंड के साथ में किलोग्राम किलोग्राम को हमको मल्टीप्लाई करना है. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सेकंड फोर्स एंड मोमेंटम. तो फोर्स एंड मोमेंटम का बता देते हैं. द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज फोर्स. यही बात है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल फोर्स हो गई तो क्या होगा कि उसकी यूनिफॉर्म मोशन है उसमें भी चेंज आ जाएगा या तो रेस्ट है तो वो मोशन करने लगेगा. वही बात है फर्स्ट टॉपिक में. इसमें फर्स्ट क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो कितना आगे जा रहा है मीन्स कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है उसको हम बोलेंगे मोमेंटम. तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं मोमेंटम. सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन. एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ क्या है फोर्स एम मास ए एक्सीलरेशन. और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मोमेंटम मीन्स इज इक्वल टू मास वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन. वहाँ मास वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मोमेंटम मिलेगा. एंड मास एक्सीलरेशन का अगर आप प्रोडक्ट करते हो या तो मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो आपको फोर्स देगा. अब बात कर रहे हैं यूनिट की. तो यूनिट ऑफ द फोर्स क्या है हम सबको पता है न्यूटन. या तो सीजीएस में हम डाइन भी लेते हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप न्यूटन याद रखो. और यूनिट ऑफ द मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड. उसमें भी सीजीएस में क्या किलोग्राम का ग्राम
मीटर का सेंटीमीटर एंड सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। तो इस तरह से फोर्स एंड मोमेंटम के डिफरेंस और वेलोसिटी और मोमेंटम के डिफरेंस पढ़ लिए, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है।